हेलो दोस्तों, भारत लीगल सर्विस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे आधार और पैन कार्ड से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी। यानी दोस्तों, अगर आपने आधार और पैन कार्ड बनाया हुआ है तो ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ वो जानकारी आपके लिए होने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो आप वीडियो को मिस ना करें, अंत तक आप जरूर देखें। अगर वीडियो ये आपको पसंद आती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आधार जो है वो भारत सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली एक यूनिक आईडी है, जिसमें भारत के सभी नागरिकों को एक यूनिक नंबर दिया जाता है, जिसको आधार नंबर कहते हैं। दोस्तों, इसी आधार नंबर यानी इसी आधार आईडी के माध्यम से बहुत सारी सेवाओं का लाभ लेते हैं, और साथ में ही हम इस आधार के माध्यम से ही बहुत सारी आईडीज जो सरकार के द्वारा इशू की गई है वो हम बनवाते हैं। दोस्तों, अगर मैं आधार की बात करूं तो कोई भी व्यक्ति आधार का नामांकन केवल एक ही बार करा सकता है। इसी आधार के माध्यम से दोस्तों हम अदर आईडी जैसे पैन कार्ड इशू कराते हैं। अगर आपके पास आधार और पैन कार्ड ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो दोस्तों, हाल ही में एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किया गया है कि अगर आपका आधार और पैन कार्ड दोनों लिंक नहीं है एक दूसरे से तो आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे दोस्तों, अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो बैंक से रिलेटेड आपको काफ़ी समस्या आने वाली है, जिसमें पहली समस्या यह है कि आप अगर बैंक में खाता खोलना चाहते हैं तो आधार पैन कार्ड लिंक ना होने के कारण तो आपका खाता ओपन नहीं कर पाएंगे। दूसरी समस्या आपकी यह है कि अगर आपने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो बैंक में जो दूसरी समस्या आएगी दोस्तों, वो ट्रांजैक्शन को लेकर आने वाली है। यानी अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, बैंक से लेकर रिलेटेड कोई भी आप लेन देन करते हैं, तो उसके लिए आपका पैन कार्ड कंपलसरी है। साथ ही में दोस्तों, आपको लेन देन करने के लिए आपका आधार और पैन कार्ड दोनों एक दूसरे से लिंक होना अनिवार्य है। अगर आप आधार को और पैन कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो दोस्तों, आने वाले समय में एक और समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार के द्वारा निर्देश जारी किया गया है जिसमें अगर आप आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है। इसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, आधार पैन कार्ड अगर आपने लिंक नहीं किया है तो उसका एक चार्जेस फीस होता है, वो आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपका जो है आधार और पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ किस तरीके से आपको ये फीस पेमेंट करनी है और कैसे चेक करना है, वो सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर आपका आधार और पैन कार्ड एक दूसरे से अभी भी आपने लिंक नहीं किया है तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आधार और पैन कार्ड को आप खुद के माध्यम से भी लिंक कर सकते हैं, कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सिंपल सी आपको तीन स्टेप फॉलो करनी है, जिसमें आपको करना क्या है, फीस जो एप्लीकेबल आप पर हुई है वो आपको सबमिट करनी है। दूसरा आपको करना क्या है, ई फाइलिंग जो एक पोर्टल होता है उस पर जाकर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस में अगर आपका नॉट लिंक दिखा रहा है तो आप जो है अगली स्टेप फॉलो करके आप खुद के माध्यम से लिंक कर सकते हैं। वो सारी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को मिस ना करें, अंत तक आप जरूर देखें। इसके लिए हम चलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट पर। हमको लिखना होगा गूगल पर ई फाइलिंग। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, मैं जैसे ही वहाँ पे मेंशन करूँगा तो पहला जो आपको टैब दिखाई दे रहा है होम इनकम टैक्स ऑफ डिपार्टमेंट, इस पर आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड का वेट करेंगे, इसका प्रोसीजर पूरा होने के बाद ये अगला पेज ओपन हो जाता है। इसमें आपको बहुत सारे टैब दोस्तों मिलने वाले हैं, इसमें से एक साइड में आपको लिखा हुआ दिखाई देगा लिंक आधार स्टेटस। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं अपने आधार और पैन कार्ड का स्टेटस कि लिंक है कि नहीं है। तो अगली विंडो ओपन होने के बाद इसमें आपको फिल करना होता है पैन कार्ड नंबर, जो आपका पैन कार्ड नंबर जनरेट हुआ है वो यहाँ पे फिल कर देंगे। अगला टैब आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में आधार नंबर, जो भी आपका आधार नंबर है 12 अंकों का वो यहाँ पे आपको फिल करना होता है। फिल करने के बाद अगला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे व्यू लिंक आधार स्टेटस,
जैसे इस पर टच करेंगे तो आपको स्क्रीन पर लिखकर दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी आपका आधार लिंक है। दोस्तों इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं आधार और पैन कार्ड का स्टेटस। अब दोस्तों मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि आपका आधार और पैन कार्ड अगर लिंक नहीं है तो हमें लिंक कैसे करना होगा। अगला ऑप्शन हम दोबारा से होम पेज पर जाएंगे और अगला टैब आ रहा है लिंक आधार, उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पर हम क्लिक करते हैं तो कुछ सेकंड के लिए ये विंडो ब्लैंक हो जाएगी और अगले स्टेप के फॉरवर्ड हो जाती है, तो हमें थोड़ी देर के लिए वेट करना होगा। थोड़ी देर रुकने के बाद आपको अगला विंडो दिखाई देने लगेगा, अगला पेज ये ओपन हो जाएगा और इसमें जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है लिंक आधार। तो लिंक आधार करने के लिए सबसे पहला इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है कि आपको किस तरीके से क्या करना है, कौन सा आर्टिकल आप पे एप्लीकेबल हो रहा है। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें पैन कार्ड नंबर फिल कर देंगे, जैसे कि आपको उसमें कॉलम दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पर पैन कार्ड नंबर फिल करके दिखाने वाला हूँ। जो मेरे पैन कार्ड पर नंबर दे रखा है वो यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है। अगले ऑप्शन पे चला जाऊँगा कि वहाँ पे मुझे आधार नंबर फिल करना है। इसमें जो हमारा 12 अंकों का आधार नंबर दे रखा है वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद एक साइड में आपको दिखाई देगा दोस्तों नेक्स्ट का बटन, यानी वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद इसमें आपको एक नोटिस आ जाता है, अगर आपने आधार पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो आपका इसमें फ़ीस एप्लीकेबल होता है। वो आपको जो फीस है वो इसमें आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी 1000 रुपीज़ है। अगर आप इसको कंफर्म करके आगे प्रोसीड करना चाहते हैं तो ये अगली स्टेप पर आपका फॉरवर्ड हो जाएगा, और जिसमें दोस्तों आप अपना आधार और पैन कार्ड एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं फीस सबमिट करने के बाद। क्योंकि अगर आपका आधार पैन कार्ड लिंक नहीं है तो ये आने वाले समय में आपका इनएक्टिव भी हो सकता है। इसकी जो फीस है आप नॉर्मल सबमिट करने के बाद इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आपका आधार पैन कार्ड लिंक हो जाएगा। इसमें एकदम आप जो है जैसे ही फीस सबमिट कर देते हैं तो इसमें आपको एक टाइम ड्यूरेशन लिख कर आ जाती है कि आपको इतने समय का वेट करना होगा आधार पैन कार्ड लिंक करने के लिए। तो दोस्तों आप किसी भी प्रकार का आप डिले ना करें, हो सके तो जल्द से जल्द आप आधार को पैन कार्ड से लिंक करा लें ताकि आने वाले समय में आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था कि आप आधार को पैन कार्ड से कैसे लिंक करें। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय